नागपुर से आ रही है अभी की बड़ी खबर। नागपुर जिले के कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कपिल नगर चौक पर एक ट्रक ने महिला को रौंदा, जिसमें स्थानीय लोगों के अनुसार वे अपने पति के साथ एक्टिवा लिए चौक पर खड़ी थी। उसी दौरान एक ट्रक की तेज गति के होने से वे उसकी चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके कारण परिसर के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने साफ अपना गुस्सा जाहिर किया, कहा कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से ऐसी घटना घटी है और रोज ही ऐसी घटना देखने को मिलती है। ट्रैफिक पुलिस चौक के किनारे खड़े होकर चालान बनाते हैं पर गाड़ियों को संभालना भूल जाते हैं, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं हमेशा देखने को मिलती है। नागपुर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे ऐसी अनुचित घटना न हो सके। स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पुलिस विभाग अंतर्गत इंदोरा चौक हा एक खरच भाग आहे। या विभागामध्ये अनेकदा वाहतूक डीसीपीला आणि वाहतूक इंदोरा चौकातील पियांना अनेकदा विनंती करण्यात आली। गुरु गोविंद सिंग चौक म्हणजेच ऑटोमॅटिव चौक ते मानकापूर पर्यंत या रस्त्यावरती आपण पेट्रोलिंगसाठी दोन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी। वरिष्ठाच्या आदेशावरती असा येतो की पेट्रोलियम काय असते ते आम्हाला माहितीच नाही, त्यामुळे ट्रॅफिक विभागातला असलेला कुठलाही कर्मचारी हा पेट्रोलिंग या शब्दाचा वेगळा झालेला आहे। त्यांच्या डिक्शनरीमधून पेट्रोलियम हा शब्दच निघालेला आहे। पेट्रोलियम जर गुरु गोविंद सिंग चौक ते मानकापूर पर्यंत जर झाली तर निश्चितच या रस्त्यावरती होणाऱ्या जे अपघाताचं जे प्रमाण आहे ते नक्कीच कमी होऊ शकतो। पण वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ चालनाच्यासाठीच वाहतुकीसाठी चौकात पाठवतात आणि वरिष्ठ अधिकारी चालान करण्यापासून दुसरं कुठलंही काम वाहतूक कर्मचाऱ्याला देत नसल्याच्या कारणामुळे नागपूर शहरातील वाहतूक जी आहे ती अत्यंत विस्कळीत झालेली आहे, अत्यंत बिघडलेली आहे। त्याच्याकडे खरंच कुठल्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मात्र लक्ष नाही। इथे काय झालं आज? इथे काही वेळापूर्वी बनकर परिवारातील एक महिला जी आहे त्यांचं फेटल झालेलं आहे, ती जाग्यावरती मरण पावली। आमची सहानुभूती आहे की त्या परिवाराला खरंच सहानुभूती मिळो, त्यांना खरंच आत्मबल मिळावं। हा जो ऍक्सिडेंट झालेला आहे हा ऍक्सिडेंट पण त्याचाच एक प्रकार आहे की वरेक चौकामध्ये कुठलाही कर्मचारी केवळ चालांच्या शिवाय दुसऱ्या कुठल्याही कामासाठी पुढे येत नसल्याच्या कारणामुळे हा ऍक्सिडेंट झालेला आहे। त्याचं जर दोषारोपण जर द्यायचं असेल तर निश्चितच वाहतूक विभागाला मात्र याचं दोषारोपण देण्यासाठी मी मात्र सक्षम आहे। वाहतूक विभागाने जर खरंच या रोडवरती म्हणजे इंदोरा विभागातील विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने जर या भागाच्याकडे जर लक्ष दिलं असतं तर निश्चित हा पेटल झालेला नसता। चौकामध्ये कुठलाही कर्मचारी राहत नाही, येतात सुन्न येतात। जसं एखाद्या कुत्र्याचा जर हल्ला करायचा असेल तर वाघासारखे जे लोक येतात ते सगळे एकत्ररित्या येतात आणि एक वाहतूक कर्मचारी नसून ते चार पाच वाहतूक कर्मचारी येतात आणि एका व्यक्तीचं चालनासाठी त्याच्या पाठीमागे लागतात। चालनाशिवाय कुठलाही कर्मचारी चौकात उभा राहत असताना कुठली गाडी चालले कुठून चाललेली आहे त्याला व्हिसल मारायची का, मध्ये उभं राहायचं का, दार्शनिक ठिकाणी उभं राहायचं काय, की जेणेकरून जो कर्मचारी जो आहे त्या कर्मचाऱ्याला दिसल्याच्यामुळे तो क्रॉस करू शकणार नाही। म्हणून माझी आग्रहाची विनंती आहे वाहतूक विभागाला, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, डीसीपी ट्रॅफिकना, कृपया उत्तर नागपुरातील रोडवरती या आणि खरंच वाहतुकीचे 12 वाजले की नाही हे आपण आपल्या प्रत्यक्षरित्या बघावं। फक्त यायच्या वेळेस आपण युनिफॉर्मवरती यायचं नाही, म्हणजे जेणेकरून आपल्या लक्षात येत असेल की आपले कर्मचारी बाकीची व्यवस्था जी आहे त्या व्यवस्थेचे 12 कसे वाजलेले आहे। आपला सुजारू करना चाहिए यहाँ का नियम कानून, ये कोने में खड़े रहेंगे एक साइड में छुप के, ताकि चोरी से कोई आवे और उसका चालान बना ले खट से। अरे यहाँ फ्रंट में खड़े रहो ना, देख ले भागने से पहले लोग खड़ा हो जाएगा, नहीं भाई ट्रैफिक वाले खड़े हैं, आप हो ही नहीं जगह पर। मेन परेशानी तो वहाँ है, फ्रंट पे खड़ा रहना चाहिए। इस जगह पर ट्रैफिक अगर आज रहता एक्सीडेंट नहीं होता, किसी कीमत में नहीं होता। उनको समझ में आता, ड्राइवर को समझ में आता है कि यहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, वो घसीटते हैं वहाँ से 100-150 फीट ले गया दूर वहाँ फ्रंट से। लेडीज ये चौक पर खड़ी थी एक्टिवा पे, थे उसके हस्बैंड थे फ्रंट में, उसकी बात ये गाड़ी नहीं है, एक्टिवा वहाँ खड़ी है। वो तो 3-4 लोग दौड़े समझो वहाँ पर, तब जाके ट्रक रुक गई। यहाँ पे अभी लेडीज जा रही थी, लेडीज का वो हादसा हुआ ऐसा और लेडीज जगह पे खत्म हो गई। यानी सिग्नल पे कैसा है पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन वो साइड में चालान वालान बनाते रहते अपना, और यहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग है नहीं उनके सिग्नल पे। और ये लेडीज जा रही थी, लेकिन सिग्नल जैसी खुला लोग अपने आप निकल जाते, पुलिस वाले रहने के बाद में उनका काम बनता ना क्या बोलते कि यहाँ पे ध्यान देना, वो सीधा सिर्फ चालान के ऊपर ध्यान दे रहे हैं वो, बाकी और कोई व्यवस्था। इसके यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं,
तो उनका काम बनता है यहाँ पे ध्यान देने का होना। ऐसी यहाँ पे तकलीफ है, कम से कम मेरा कहना है कि जो कर्मचारी रहते हैं उनका काम है कि सिग्नल पे बाबा ध्यान देना, सिग्नल जो चालू होगा तो ही लोग निकले। ये तो लोग कहता है एक निकले तो दूसरा भी चालू हो जाता है, यहाँ पे तुरंत जाम लग जाता है यहाँ पे, एक्सीडेंट होते हैं। नहीं तो एक्सीडेंट का उनका कारण ही नहीं रहेगा। नहीं रहती, अभी आज नहीं थी, अभी आए वो लोग वहाँ चलन मार रहे थे पेट्रोल पंप के पास में। ऐसा है यहाँ पे रहेंगी तो अभी अच्छी चीजें व्यापार रहेंगे ना, व्यापार नियम से काम करेंगे लोग, जब रहेंगे इतनी तो कहाँ से काम करेंगे। बताओ कभी कभार रहती कभी नहीं रहती, बट आज आज भी नहीं थी पुलिस, आज भी नहीं थी। और जब रहते हैं तो सिर्फ इधर उधर छुटके से वोट क्या चालन मारते है, इसको भी क्या बोलते गाड़ियों की फोटो खींचना, ये करना। एक्सीडेंट होने के कितने देर बाद पुलिस आई, कहने का मतलब ये है मेरा एक्सीडेंट होने के कितने देर। और जब यहाँ पे फोन करने के बाद में भी पुलिस आने का नाम ही नहीं, जब तो बेचारी बाइक पड़ी थी, काफी देर से पड़ी थी बाइक वहाँ पे, वो आदमी पड़ा था एक्सीडेंट से। हाँ एक बच्चा और था उसको पता नहीं किसने दवाखाना हॉस्पिटल लेके गए। अरे कहने का मतलब जब नियम कानून बनना चाहिए तो सख्त बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। पुलिस हरदम रहने को ना यहाँ पे, वो एक आध दिन रहती पुलिस, उसके बाद में वो अभी जैसा मैंने आपको बोल दिया उस दिन एक चीज चलेगा, बाद में खत्म हो जाएगा कारोबार। ये कपिलनगर चौक है, कैसा है मैंने तो हरदम क्लियर रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये एक दिन से नहीं है, मैंने आज बोल दिया आपको या बता दिया या मन की ये चीज देखा, ये घटना हुई, इसके बाद में कैसा कुछ दिनों के बाद में वैसे हो जाएगा फिर से कारोबार। ऐसा है ना, ट्रैफिक वाले रहना चाहिए तो हरदम रहना चाहिए। और ये नहीं है कि अपने चलन के तरफ भी ध्यान दे, चलन के तरफ भी ध्यान दो और बाकी पब्लिक के भी तरफ ध्यान दो। ये लोग जो भाग रहे हैं उनको पकड़ो। अभी भी देखो सिग्नल कैसा चालू है। श्री विठल रूपा स्वस्थ टापर केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी से एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वेराइटी उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।